फ्रेंड्स, आप सब तो वाईफाई यूज करते होंगे। क्या आपने देखा है वाईफाई का जो रोटर होता है, WPS का बटन होता है, वो कैसे काम करता है? तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे काम करता है ये वाईफाई का WPS। तो यहाँ पर सबसे पहले वाईफाई को ऑन कर लेता हूँ मोबाइल में, और ये जियोफाई का है डिवाइस, इसमें सिम इंसर्ट नहीं किया है। तो इसका तो वाईफाई चालू है लेकिन मोबाइल में कनेक्टेड नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर पासवर्ड देने को कह रहा है लेकिन ये कनेक्टेड नहीं है। तो विदाउट पासवर्ड WPS के थ्रू हम ये कनेक्ट कर सकते हैं। WPS का फुल फॉर्म होता है वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप, जो वायरलेसली कनेक्टेड होता है। ये पर देखिए WPS बटन है जियोफाई डिवाइस, और दूसरी जो यहाँ पर देख सकते हो पिक्चर में वाईफाई रोटर में। तो ये WPS बटन को प्रेस करके रखेंगे और जियोफाई में दिखाएगा WPS एक्टिव। तो ये एक्टिव हो जाने के बाद मोबाइल में एडवांस ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर WPS पुश बटन ऑप्शन है, उसमें क्लिक करना है। WPS बटन को क्लिक करने के तुरंत ये कनेक्टेड नेटवर्क दिखाएगा, यहाँ पर कनेक्टेड हो गया। जियोफाई में भी देख सकते हो और मोबाइल में भी देख सकते हो, यहाँ पर कनेक्ट हो गया। यहाँ पर SSID जो होता है ये है जियो नेट, तो यह कनेक्टेड दिखाई दे रहा है अभी। तो इसका यूज़ यही है कि आप आपके फ्रेंड को बिना पासवर्ड दिए आप WPS के थ्रू उनको कनेक्ट कर दे सकते हो। तो ये इसका यूज़ है। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना, और शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन भी क्लिक करना। तब तक के लिए बोलते रहो जय हिंद, जय भारत।